हम लोग जो किशनबाग में रहते और जो चिट्टी जमा रहे खदीर उनिसा हैं और जो है से चिराग अली नगर के पास रहते उन मराठी गली उन चिट्टी डाल के हम लोग आप 16 साल से पहचानते उनको 16 साल से उन आप भरोसे से थे। अब हम लोग चिट्टी जमने के बाद हमारी चिट्टी उठी थी 50,000 की। अब उन्होंने जो है से ऐसा फ्रॉड करके चले गए। अब 1.5 महीने तक भी देखे इंतज़ार। हम लोग बीच में यहाँ पे पीएस को भी आए थे बहादुरपुरे के, वहाँ यहाँ पे आने के बाद एक्शन नहीं लिए वो लोग, कुछ भी हम लोग को भिजा दिए। इतना अमाउंट हुए तो आओ कंप्लेट लेते वो लेते। अब हमारा तो देखो 50,000 की चिट्टी अब देने का था, वो लोग दो डाली थी मैं 50-50 की चिट्टियाँ अब देते बोल के उन्होंने अब तक तो हाथ पे लिए। अभी फ़ोन आ तो स्विच ऑफ है उनके तीनों के भी, दामाद के और बेटी के सास के। हाँ भरोसा बहुत था उन लोगों का, पूरी बस्ती में पहचानते थे उनको ऐसा समझो। अब हम लोग बहुत परेशान हैं। अब 16 लिंबर में से तकरीबन लोगों के चिट्टियाँ उठे और हम लोगों के ब्लास्ट है, हम लोगों का पैसा ले लेके भाग गए वो लोग। मैं किशनबाग में रहते हैं हम लोग चिराग अली नगर में। 16 साल से डालते हैं के पास चिट्टियाँ हमेशा इन अच्छे देते अच्छा देते थे चिट्टियाँ। अचानक इन्होंने 3 चिट्टियाँ डाले हम लोग अचानक भाग गए। अब हम हैंड लोन लिए सो भी है और मैं दूसरों को भी डालाई सो हूँ के पास चिट्टियाँ, मेरे तो दूसरे भी डाले सो है। तकरीबन मेरा हिसाब 3.5 लाख रुपये हो रहे। मेरी 2 बच्चियों की शादियाँ करी 1 साल में, मेरे को खर्चा होगा, मैं कहाँ से ला के दूँ। उन्होंने अचानक फ्रॉड काम करके चले गए यहाँ से। हम लोग फ़ोन भी करे थे आसिफ को, उन्होंने क्या बोले मैं मौलाली में हूँ, मेरे घर वालों की तबीयत अच्छी नहीं है, मैं आके देता हूँ बोल के बोले। अब 1.5 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर इन लोग पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊँ। इस ज़माने में मेहनत करके खाने वाले हैं हम लोग, मेरे बच्चियों का खर्चा मेरे को बहुत हो गया। अगर इन लोग न्याने की सूरत में मैं इज्जत के वास्ते अपनी जान दे लेती हूँ। आप कुछ भी करिए, तेलंगाना पुलिस से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जल्द से जल्द ढूंढिए इनको। इससे पहले हम लोग बहादुरपुरा पीएस को आए थे, वेंकट सर वेंकट ऐसे ही सब हम लोगों को झिड़कियाँ दिए, नहीं होता बोल के भिजा दिए। इसलिए हम नहीं होता ये कंप्लीट नहीं होता बोल के भिजा दिए। इतना 50 लाख के ऊपर होना बोल के बोरे, फिर हम लोग मीडिया का सहारा लिए आप तक पहुँचाने के लिए ये आवाज़। प्लीज़ तेलंगाना पुलिस केसीआर साहब कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि हम गरीब हैं, हम कैसा वो लोगों के फोटो हैं आपके? जी हाँ फोटो है। ये सैयद आसिफ है, ये है और ये बनता सर, ये इनकी वाइफ है सैयद आसिफ के, इनको इनू और इनू तीनों जमाते थे छिटनिया। हम लोग कहाँ से लाना बोलिए। अगर न्याने की सूरत में मैं सुसाइड कर लेती हूँ, मेरे जान के जिम्मेदार इन तीनों होंगे। मैं बोल दे रही हूँ क्योंकि बहुत परेशान है हम लोग, बहुत मेहनत मजदूरी। आप किशनबाग में हम लोग 16 लोग आए, 16 लोगों में से किसी की छिट्टियाँ उठ गए, किसी की छिट्टियाँ नहीं उठे। सो जिन्हें हम लोग बहुत परेशान, हम 1 महीने से बहुत परेशान हैं हम लोग। आप लोग कितने बने थे पैसे? पैसे हम लोग तकरीबन 3 छिट्टियों के हो गए और दूसरे भी मेरे तरह से डाले थे और हैंड लोन भी दिलाई सो है दूसरों से, मैं उसका सबूत है बॉन्ड पेपर वो सब है दिलाई सो में पैसे। और मैं देती हूँ जनवरी में देती हूँ बोल के बोले, अचानक चले गए। मैं खर्जेदारों को कहाँ से लाऊँ पैसे बोलिए। आप लोग नहीं, उनके दामाद बोले थे मौलाली में है बोल के बोले थे, उनके दामाद से बात हुई थी मेरे 8 तारीख के दिन। मैं हमारे घर वालों के लाज चल रहा बोल के बोले। अब उसके बाद से फोन आया, तीनों के भी स्विच ऑफ है। प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम लोगों को डायरी भी है ढूंढने में कोशिश करिए। डायरी जो लिख के देते थे हमेशा उन्होंने आके साइन करते थे डायरी पे पैसे अमाउंट ले लेके। अब जो हंसे उन्होंने अब हमारी चिट्ठी उठने के बाद देते 10 तारीख तक बोले, नहीं तो हमेशा उन्होंने 26 तारीख को देते थे कलेक्शन पूरा। अब 10 तारीख का बोल के उन्होंने 10 तारीख से पहले गायब हो गए उन्होंने 7 तारीख के दिन। हम लोग हाँ यहाँ आए थे, हम लोग आने के बाद उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिए, बोले कि 50 लाख के ऊपर हुआ तो हम लोग कंप्लेंट लेते। अब आप लोग हम ऐसा आए तो हम क्या भरोसा करना, क्या ऐसे करना बोल के ऐसा हमको भिजा दिए। 2 खत आए थे हम लोग, प्रूफ बताए बाद भी लोग हाँ भेज दिए हम लोग को। और मैं हाँ यहाँ पे एंकर जो सर है ना उन्होंने भिजा दिए हम लोगों को। और जो है मैं चीज़ के लिए डाली थी बच्ची की चीज़, ससुराल से बैठी हुई बच्ची यहाँ पे आके आज मेरे को परेशानी इतनी हो रही कि मैं बेवा औरत हूँ, मैं कहाँ से ला के बनना क्या नहीं, ये मेरे को ये टेंशन हो जा रही। एक तो किराए का मकान है मेरा, ये जो है यहाँ पे आए तभी हम लोगों को एक्शन नहीं लिए, इसलिए हम लोगों को मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। प्लीज़ जल्द से जल्द जहाँ भी होंगे रिक्वेस्ट है ये इन लोगों को सज़ा होना या नहीं तो कुछ तो भी एक्शन लेना इनके ऊपर। हम लोगों के गरीबों की मेहनत है ये।